नगर निगम द्वारा हावर्ड बंधी के किनारे कूड़ा गिनाने को लेकर स्थानीय लोगों ने नगर निगम में विरोध प्रदर्शन किया। इस संबंध में नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि लाल डिग्गी के पास नगर निगम की जमीन है, जिसको स्थानीय लोगों द्वारा अपना बताया जा रहा था। तत्काल मौके पर लेखपाल और तहसीलदार से जमीन का चिन्हांकन कराया गया है, जहाँ पर कूड़ा निस्तारण कराया जाएगा। साथ ही नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि सहजनवा में नगर निगम द्वारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत प्लांट स्थापित किया जा रहा है, जो 3-4 महीने में शुरू हो जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आंदोलनरत स्थानीय नागरिकों और नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, करीब जब से अकेला बंदे बंद हुआ है, 5-6 दिन से गिरा रहे हैं, कम से कम 5,000 थाली गिराए दिए। मेरा नाम राधेश श्याम निषाद है, मैं एक स्थायी निवासी हूँ बसंतपुर का। आज आप लोग किस लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? यहाँ पे कूड़ा गिराया जा रहा है, लाल डिग्गी पावर हाउस हार्बर बंद है बसंतपुर में। मैं यहाँ का स्थायी निवासी हूँ, सब मोहल्लेगण हैं, मोहल्ले के निवासी हैं। यहाँ पे कूड़ा जबरदस्ती गिराया जा रहा है और घनी आबादी के बीच में गिराया जा रहा है। कई लोग बीमार पड़ गए हैं। इस कूड़ा को तत्काल प्रभाव से नगर निगम प्रशासन हटावे और जबरदस्ती गिरा रहे। हम चाहते हैं कि यहाँ जो कूड़ा गिरा हुआ, कम से कम 5,000 से 6,000 ट्राली इसको यहाँ से हटावे। इससे बदबू हो रहा, तमाम लोग मर जाएंगे। यहाँ अगर नहीं कूड़ा हटाती है तब तक हम लोग नहीं हटेंगे जब तक यहाँ से कूड़ा नहीं हटेगा और कूड़ा गिराना यहाँ बंद किया जाए। चल रहा है, इसलिए आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? यही लिए कूड़ा गिर रहा है खेत में हमारे, जबरदस्ती नगम निगम। आप लोग क्या चाहते? नगम निगम कूड़ा रोक, हम चाहते हैं रोक दिए कूड़ा हमारे खेत में न गिराए, हम कैसी खाएगी जिएगी। देखिए, कुछ जगहों पर निश्चित रूप से कुछ दिक्कतें आ रही हैं, और जैसे कि एकला बंधा में है, वहाँ पर कुछ गांव वालों ने विरोध किया था, तो हम लोग की उनसे वार्ता चल रही है। इसके साथ लाल डिग्गी में जो हमारी अपनी ज़मीन है, वहाँ पर कुछ लोगों ने पहले आए और कहा कि ज़मीन मेरी है। जब तहसीलदार साहब और पूरी टीम यहाँ से गई, तब वो उस बात पे एग्री कर रहे हैं कि नहीं सर, ज़मीन तो नगर निगम की है, लेकिन फिर वो कूड़े का विरोध करने लगे। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है, कोई दिक्कत है, और नगर निगम बाकायदा बराबर इस बात में कोशिश में लगा, कोई भी कम्युनिकेशन गैप ना रहा। हम लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो हमारा नगर निगम का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है, ये जो सजनवा तहसील के सुथनी गाँव में 10.5 हेक्टेयर जो ज़मीन के सापेक्ष जो हमारी पूरी ज़मीन बैनामे के तहत ले ली गई है, और हम लोग वहाँ पे जो अप्रोच रोड है उसको भी बना रहे हैं। CNDS को कार्यदायी संस्था बनाया गया है, और निश्चित रूप से अभी हमने इन लोगों को समझाया है कि हमें ज़्यादा मतलब समय के लिए नहीं, बस 3-4 महीनों के लिए इन प्लॉट्स की ज़रूरत है, जहाँ की हम पूरे शहर भर का कूड़ा डाल सकें। मैं इस बात को ज़रूर कहूँ कि जो ये शहर आपका है, नगर निगम का वो पूरा जो क्षेत्र है, यहाँ पे रहने वालों का क्षेत्र है, और इस क्षेत्र को साफ रखना सिर्फ नगर निगम की नहीं वरन एक एक नागरिक की जिम्मेदारी है। और जो कूड़ा भी निकल रहा है वो हमारे अपने घरों से ही निकल रहा है, तो इस कूड़े को डिस्पोज करना भी हमारी नगर निगम की ही नहीं वरन सबकी जिम्मेदारी है, चाहे वो पार्टी दल धर्म से ऊपर उठकर एक सामूहिक जिम्मेदारी है, और हमको सबको इसकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। और हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को समझाकर और 3-4 महीने के लिए हम उनको हिसाब हम यहाँ पे डालेंगे, इसके बाद हम अपना जो सुथनी में हमारा प्लांट बन जाएगा, हम वहाँ पे पूरा इसको कूड़े को वहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे। फिलहाल जहाँ पे हम कूड़े को डाल रहे हैं उसका वैज्ञानिक रीति से हम डिस्पोजल भी कर रहे हैं, वहाँ पर आसपास का वातावरण स्वच्छ रहे, हम वहाँ पर
सैनिटाइजेशन कर रहे हैं, फॉगिंग करवा रहे हैं, चूना मेलेंथियन का घोल डलवा रहे हैं और ये भी कर रहे हैं कि जहाँ पर हमारा कूड़ा पड़ा है उसके ऊपर हम मिट्टी डालकर वहाँ पर एक डेकोरेटिव प्लांट्स भी लगा रहे हैं। एक हमारी पूरी योजना है कि उस क्षेत्र को स्वच्छ रखने के लिए। और मैं यह भी बताना चाहूँगा कि गोरखपुर शहर को, गोरखपुर जनपद को, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी का शहर है, उसको जहाँ पर हम लोग सुंदर और स्वच्छ बनाने में पूरी ताकत लगाए हुए हैं, वहीं पर जब जनपद हमारा सुंदर होगा, स्वच्छ होगा और तभी ये स्वस्थ रहेगा। तो ये तीनों जो कंपोनेंट हैं, सुंदर, स्वच्छ और स्वस्थ, इस बनाने के लिए मतलब नगर निगम को अपने शहर के समस्त बासिंदों का, समस्त नागरिकों का सहयोग चाहिए और इस सहयोग से ही हम लोग मिलकर जो गोरखपुर जनपद को प्रदेश के जो अग्रणी जनपद हैं उनकी श्रेणी में ला के खड़ा कर पाएंगे।